हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सार्पेन मैथ्स। मैं आज एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जैम में जो कुछ सडन सा सिलेबस में चेंज हुआ है उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस बार IIT रुड़की कंडक्ट कर रहा है और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जैसे यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप खुद से ये चेक कर सकते हैं। जैसे आप क्रोम या गूगल वेबसाइट क्रोम या गूगल में जाके जैम 2022 सर्च करोगे तो आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो इस बार का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका 30 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 11 जुलाई होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो 13 फरवरी 2022 को होगा और रिजल्ट भी आपका 22 मार्च को आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैम जो है साइंस सब्जेक्ट वाले देते हैं, ग्रेजुएशन आपको फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप इसके इंफॉर्मेशन ब्राउचर में डाउनलोड करके आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या है। तो मैं जैसे यहाँ पे बात करूँगा कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ, तो आप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सिंपली आपको क्या करना है कि 2022 का जो है उसका सिलेबस मैथ के आप स्टूडेंट हो तो मैथ का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जैम 2022 का सिलेबस है, तो देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग हुआ है। तो इसको आप मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। जैसे अब मैं जैम 2021 का पहले का जो सिलेबस था वो भी ओपन कर लेता हूँ और दोनों में कंपेरिजन ईजिली कर पाएंगे, आप भी देख पाएंगे। तो इसको 2021 के लिए आप जो है जैम 2021 गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे तो जैम 2021 का वेबसाइट आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और नीचे में जाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर सिलेबस है, तो सिलेबस में जाइएगा, मैथ का सिलेबस देख रहे हैं तो मैथ में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका मैथ का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैथ का सिलेबस आपको दिख गया है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2020 का 2022 का सिलेबस और ये है 2021 उसके पहले जो सिलेबस था जैम में। तो क्या क्या चेंजिंग हुआ है, मेनली इस पर बात करता हूँ, क्या चेंज हुआ है, क्या हट गया है, क्या रिमूव हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि रियल एनालिसिस में आपको कहीं पे पॉइंट से टोपोलॉजी नहीं दिख हो रहा होगा। जैसे यहाँ पहले जो है आपका रियल एनालिसिस में इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट जो है, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये वाला जो है पोर्शन जो है जैम में पूछा जाता था, तो ये सारे चीज़ों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है ओनली सिक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो ये है। तो वो जो है पूछा जाता था रियल एनालिसिस, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और देख सकते हो कि फंक्शन 2 और 3 वेरिएबल पहले था, लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, और इसमें क्या है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में क्या है कि लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, रॉल्स थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, ये सब कुछ चीज़ें ऐड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे मेनली रीमान इंटीग्रेशन और इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम जो रीमान इंटीग्रेशन के टॉपिक में ही आता है उसको ऐड कर दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब टॉपिक को ऐड कर दिया गया और कुछ पार्ट को हटा दिया गया, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जैसे ये सब चीज़ तो पहले भी आता था तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भी आएगा, ठीक है, पावर सीरीज है। और 2 और 3 वेरिएबल में कुछ चीज़ें ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा जो है पहले जो है वेक्टर कैलकुलस आता था जैम में, IIT जैम में स्कैलर वेक्टर, फिर ग्रेडियंट्स, ये सब चीज़ें आता था। अब देख पा रहे हो कि 2022 का जो सिलेबस है न्यूज़ में जो यहाँ जो ओपन किया हूँ उसमें कहीं पे भी आपको वेक्टर कैलकुलस का कोई भी टॉपिक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में जो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलस ये है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें ODE में, ये सारे टॉपिक सेम है, अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और लीनियर अलजेब्रा में जो पहले आता था और ग्रुप थ्योरी में जो आता था, ये सारे टॉपिक में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, देख सकते हो। लीनियर अलजेब्रा में सारे चीज़ें हैं और ग्रुप थ्योरी में भी सारे चीज़ें हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो जो मेनली चेंजिंग हुआ है रियल एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी को रिमूव कर दिया गया और कुछ टॉपिक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ऐड किया गया, उसमें रीमान इंटीग्रेशन हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो गया, और कुछ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में चेंजिंग किया गया है, और वेक्टर कैलकुलस को भी रिमूव कर दिया गया। तो इस एक के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप कुछ सिलेबस नहीं भी पढ़ पाएंगे, कुछ लोग है ना ये बहुत सारे रीजन से पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी कोविड के कारण, तो इस रीजन से भी कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं। तो
ये था मेरा आज का। और कोई डाउट और भी हो, कुछ टॉपिक हो आईटी जैम का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।